हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल रिद्धि सिद्धि व्लॉग्स। हम लोग हैं इस समय कानपुर में और आज हमारे विजिट का दूसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे आर्यनगर से, जहां पे हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम हैं इस समय आर्यनगर के राहुल स्वीट्स एंड नमकीन में। हमें किसी ने बताया कि यहाँ के कचौड़ी और पकोड़े बहुत ही फेमस हैं, तो हम वही ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने अपने लिए एक प्लेट खस्ता और साथ में पनीर का पकोड़ा लिया है। खस्ता तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा खाने में और आलू की सब्जी भी अच्छी थी उसके साथ, पर जो पनीर का पकोड़ा था वो काफ़ी फ्लैट था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको ट्राई करना है। मतलब वन टाइम के लिए ठीक है, पर रेकमेंडेड नहीं है। आर्यनगर से आगे बढ़कर परेड की तरफ जाते समय हमें ये मॉल मिला जो जेड स्क्वायर के नाम से यहाँ कानपुर में फेमस है और ये कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है। कानपुर का सबसे बड़ा होटल द लैंडमार्क होटल। कानपुर में कभी भी क्रिकेट मैच होता है तो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यहीं पे आके ही रुकते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हाँ, तो अब हम पहुँचे हैं परेड के फेमस ठग्गू के लड्डू की शॉप पे। ये साहब सिर्फ कानपुर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया फेमस हैं और बंटी बबली मूवी, सुपर हिट मूवी, उसमें भी इसका एक शॉट काफ़ी फेमस है। शॉपकीपर से हमने जानने की कोशिश करी कि ये नाम कहाँ से पड़ा, तो उन्होंने हमें बताया कि शक्कर जो खाने में नुकसान करती है लेकिन लड्डू बनाने के मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ की जाती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम ठग्गू के लड्डू रखा है। एक और स्पेशलिटी है यहाँ की जो बदनाम कुल्फ़ी के नाम से फेमस है और वो साहब कहते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, कुछ नाम तो हुआ। तो कौन सा लड्डू स्पेशल लड्डू है? ये वाला। तो हमने अपने खाने के लिए दो लड्डू ले लिए हैं। पर पीस ये लड्डू 22 रुपए का है, 22 रुपीज। बहुत ही टेस्टी लड्डू थे। गेम सारा यहाँ पे मावे का और ड्राई फ्रूट्स का है और उसी का ही जो इसका जो टेस्ट है वो ओवरपावर कर रहा है पूरा। तो लड्डू एंजॉय करके अब हम गंगा बैराज की तरफ निकल चुके हैं। बीच रास्ते में हमें ये मेथडिस्ट चर्च मिली, काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है जैसा कि हमें बताया गया, तो आप यहाँ पर भी ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इस समय कानपुर के गंगा बैराज आ चुके हैं
और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ ये कानपुर का बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट है। ये मेरे पीछे आप गंगा देख रहे हैं, लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ पे मछुआरे अपनी मछली पकड़ने के लिए भी आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सीनिक व्यू है यहाँ का। इस बैराज का ऑफिशियल नेम लवकुश बैराज है, लेकिन इसे पॉपुलरली गंगा बैराज के नाम से ही जाना जाता है। इसकी लंबाई करीब 621 मीटर्स है और इसका मेन काम गंगा के वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और इसका यूज़ बिजली बनाने के पर्पस से भी जेक किया जाता है। इस जगह पे खड़े होके इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो अच्छा लग रहा है शरीर को, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ सूदिंग इट इज़। अब हम बैराज पार करके दूसरी तरफ आ गए हैं जहाँ पे ये आई लव कानपुर का लोगो लगा हुआ है। ये एक बहुत ही पॉपुलर सेल्फी स्पॉट है और हमने भी यहाँ पे सेल्फी खिंचा के थोड़ा आनंद उठाया। हमारे पीछे अटल घाट है जहाँ पे ये बोला जाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ का उद्घाटन किया था। अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे। अटल घाट के एंट्रेंस पे ही आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। 20 रुपीज बाइक पार्किंग और 40 रुपीज फोर व्हीलर पार्किंग के चार्जेस है। तो दोस्तों, अब हम लोग अटल घाट आ चुके हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ का कितना ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। आप देख सकते हैं कि घाटों की सफाई कितनी ज़्यादा रखी गई है और यहाँ का सुंदरीकरण भी काफ़ी कुछ किया गया है। तो ये सरकार के नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। गंगा का पानी भी इस समय आपको पहले की तुलना में काफ़ी स्वच्छ नज़र आ रहा है। टूरिस्ट को लुभाने के लिए यहाँ पे अब बोटिंग की व्यवस्था भी कर दी गई है और काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे अक्सर छुट्टियों के समय बोटिंग के लिए आते हैं। ऐसा कम ही होता है कि एक ही टाइम पे सूरज और चांद हमें दिख जाएं, तो ये एक ऑसम व्यू था जो हमने आपके लिए कैप्चर किया। बाहर निकले तो हमें विक्की दी टिक्की वाला मिल गया और उनके गोलगप्पों पे हाथ आजमाए बिना हमसे रहा नहीं गया। बहुत कम। मैंने अपने लिए एक टिक्की ऑर्डर करी और काफ़ी क्रंची टिक्की लग रही थी जब बनते समय, और ऊपर इन्होंने पनीर टमाटर और अनार का जो स्प्रिंकल किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, मसाले काफ़ी बैलेंस थे और टिक्की काफ़ी क्रंची रही खाने में, तो ओवरऑल गुड टेस्ट। आप भी यहाँ आके अपना मुंह नमकीन जरूर करें, काफी लजीज टेस्ट था। तो फ्रेंड्स, कानपुर सीरीज को यहीं एंड करने का टाइम आ गया है। हमें कानपुर घूमने में बहुत ही मजा आया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।